हेलो, आज हम बनाएंगे मैक्रोनी पास्ता वेजीज। सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। वाटर ले रहे हैं एंड इसमें वॉश करी हुई मैक्रोनी डालेंगे। उसके बाद में हम इसमें सॉल्ट ऐड ऑन करेंगे स्वाद अनुसार, ताकि अच्छे से बॉईल हो एंड चिपके ना। इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड ऑन करेंगे। इसे चला दे ताकि ये चिपके ना, एंड इसे चलाते रहे। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे एंड इसे बॉईल होने देंगे ताकि ये स्टिक ना हो। इसे एक दो बार चला दे, फिर देन इसको हम वॉश करेंगे ठंडे पानी से, ताकि ये मैक्रोनी अलग अलग निकल जाए। मैं इसे वॉश कर रही हूँ। वॉश करने से ये ठंडा हो जाएगा एंड ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, एंड ऑयल ऐड करके इसमें रख देंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो हम ऑयल डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून, एंड देन उसके बाद में हम इसमें राई डालेंगे एंड ज़ीरा साथ में, फिर इसे गार्लिक डालेंगे, कटेड मिर्ची चिली, एंड उसके बाद में हम इसमें ऑनियन डालेंगे, चॉप ऑनियन थोड़े बारीक है, मतलब नॉर्मल साइज़ में कट करना है हमको ऑनियन को, ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं। उसके बाद में हम इसमें ऐड ऑन करेंगे शिमला मिर्च। हमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं, हल्का हल्का पकाना है, तो हम इसमें अब ऐड ऑन करेंगे पत्ता गोभी। ये वेजिस पास्ता है, इसमें हम जितनी भी चाहे सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं, बीट रूट एंड ऑल हम इसमें मिक्स कर सकते हैं, एंड इसे चला दें। हमें सब्जियों को थोड़ा पकाना है, फुल ऑन नहीं पकाना है। इसमें अदरक ऐड ऑन करेंगे, इसमें टमाटर ऐड ऑन करेंगे और सारी सब्जियों को थोड़ी देर भुनने देंगे। सब्जियां नॉर्मली पकने के बाद में इसमें मैं थोड़ा टेस्ट के लिए करी पत्ता, करी लीव्स डाल रही हूँ, जो कि बेबी करी लीव्स थी, एंड इसमें मैं थोड़ी सी करी ली, उसके साथ में ऑरेगनो डाली हूँ। इसे चला दे एंड थोड़ी देर होने दे। उसके बाद मसाले ऐड ऑन करें, जिसमें मिर्च मसाला, हल्दी और कोरिएंडर मसाला, गरम मसाला हम ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एट होम पास्ता है, तो मैं इसमें सारे मसाले ऐड ऑन कर रही हूँ। अब इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे बॉइल्ड वाली। ये देखिए अलग अलग है, कुछ भी स्टिक नहीं हुई है एक दूसरे से, एंड हम इसमें ऐड ऑन करके मैक्रोनी एंड इसे चला देंगे। इसे अच्छे से चलाए, चिपकने ना दे। इसमें ऐड ऑन करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार, मैजिक पास्ता मसाला, मैगी का, एंड नाउ इसे हम पूरा मिला लेंगे। हम इसमें सॉस ऐड ऑन करेंगे, हम चिली सॉस ऐड ऑन कर सकते हैं, रेड चिली, ग्रीन चिली या फिर सोया सॉस, जो भी है। मैं टोमेटो सॉस ऐड कर रही हूँ इसमें, एंड मैं मेयोनीज ऐड ऑन करूँगी। इसे चला दें, और आपके पास अगर चीज़ है तो चीज़ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, चीज़ पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ फॉलो करना एंड कमेंट ऑन। मेयोनीज ऐड ऑन करेंगे और इसे चला देंगे। ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए, देन सर्व इट। इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और पकने दें। देन सर्व करें। इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं ऊपर से, ऑरेगनो भी डाल सकते हैं, या फिर हमें स्ट्रीट से हम कोरिएंडर डाल रहे हैं, इसे टेस्ट के लिए भी और ये डेकोरेट के लिए भी काफ़ी अच्छा दिखता है। कोरिएंडर एंड चिली फ्लेक्स, ऑरेगनो डाला, ऑरेगनो का एक अलग ही टेक्सचर आ जाता है खाने में।
सो इसे ऐड ऑन किया, नाउ इसे सर्व कर रहे हैं। कमेंट ऑन माई वीडियो इफ़ आपको वाइट सॉस था, चीज़ सॉस पास्ता या फिर वेजिस पास्ता की रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू, बाय।